हेलो दोस्तों, रोज़गार हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान और आज बहुत ही ज़रूरी जो खबरें हैं, बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि सऊदी अरब में दुबई में रहने वाले जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, किस तरह से बचा जा सकता है। और दूसरी खबर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सऊदी से 106 जो इंडियंस हैं, कंपनी ने अपने पैसों से फ्लाइट करा के उनको इंडिया भेजने का प्लान किया आज ही 1 जून को। और तीसरी खबर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो रिपैट्रिएशन के लिए जो दुबई से इंडिया आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, उनका नंबर नहीं आता, तो एम्बेसी में एक फैसिलिटी दी गई है वहाँ पे कि अगर आप रिपैट्रिएशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक मेल आईडी मैं आपको बताऊँगा, उस पर आप अपनी डिटेल मेल करें और आपको एक जगह मिल जाएगी फ्लाइट में। तो इन सारी बातों पे हम डिस्कशन करेंगे आज। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसलिए कि हम बहुत सारी वीडियोस की अपडेट लेके आते रहते हैं, बहुत सारी न्यूज़ की अपडेट लेके आते रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, फेक ऑफर लेटर वगैरह जैसे होते हैं, उन जो फ्रॉड एजेंट्स होते हैं, फ्रॉड कंपनीज होती हैं, फेक जॉब ऑफर लेटर वगैरह, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ लेके आते रहते हैं हम, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप बगल में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें ताकि वीडियोस की अपडेट आती रहे आपको। और चलिए हम बात करते हैं कि आखिरकार सऊदी अरब ने ऐसा क्या ऐलान किया जिसकी वजह से सारे लोगों में हलचल मची पड़ी है। जैसा कि आपको पता है कि यूएई, सऊदी में और बहुत सारी कंट्रीज़ ने लॉकडाउन ओपन करने का ऐलान कर दिया है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड भी हैं और बाहर आना जाना करने लगेंगे अगर, तो उसमें कुछ जो एहतियात है जो मैंने पहले भी वीडियो में बताई है कि लॉकडाउन भले ही खुल जाए लेकिन आपको एहतियात बरतना है, अगर वो आपने फॉलो नहीं किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं किए तो आपके ऊपर लंबी पेनल्टी लग सकती है। मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब ने जो ऐलान कर दिया है, अगर आप बिना मास्क के, चाहे वो कपड़े का मास्क हो, चाहे आपको डिस्पोजल मास्क हो, अगर बिना मास्क के बाहर निकलते हैं, मुंह नाक बिना ढके निकलते हैं, तो आपके ऊपर 1000 रियाल की पेनल्टी लग सकती है। और अगर आपका 38 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है और उसके बाद आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, मतलब कहने का कि वहाँ पर रूल ब्रेक करते हैं और 2 मीटर के दायरे में खड़े होकर बात नहीं करते हैं, तो भी आपको 1000 पेनल्टी लग जाएगी। इस तरह के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपने फॉलो नहीं करने, पेनल्टी आपको लग जाएगी। मैं आपको बता दूं, अगर ये आइसोलेशन भी नहीं होते हैं आप, और उसके बाद अगर ये दोबारा रिपीट करते हैं, इस तरह की सिचुएशन आपके साथ दोबारा होती है कि गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह वो फॉलो नहीं किया आपने, मास्क नहीं लगाया, तो दोबारा में आपकी पेनल्टी जो है वो डबल हो जाएगी। इसी तरह से कंपनीज के साथ में भी किया गया है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, मॉल हैं, ये अगर एम्प्लॉयज़ को और या कस्टमर को अपने यहाँ पे परमिशन देते हैं आने की और वहाँ पे मास्क लोग लगाए नहीं जाते हैं या सैनिटाइज़र यूज़ नहीं किया जाता है ऑफिस में, प्रमाइसेस में और इस तरह की जगह में जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है उसको डिसइन्फेक्ट नहीं किया जाता है, तो कंपनी के ऊपर 10,000 रियाल की पेनल्टी लगेगी। और अगर मॉल में जहाँ पे बकेट वगैरह है, जहाँ पे शॉपिंग की जाती है और जहाँ से स्टोर किया जाता है सामान, अगर उस जगह को भी डिसइन्फेक्ट नहीं करते हैं आप और वहाँ पे जो आने वाले कस्टमर्स हैं उनको सैनिटाइज नहीं करने के लिए बोलते हैं या वो मास्क नहीं पहने हुए हैं, तो ये मॉल को जो वहाँ के जो मालिक हैं और वहाँ के जो मैनेजर्स हैं उनके ऊपर, कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 10,000 रियाल की। और अगर ये दोबारा रिपीट करते हैं, सेम सिचुएशन दोबारा होती है, तो आपको पेनल्टी डबल कर दी जाएगी। तो ये सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, दुबई से लोगों को कंपनी से अपने पैसों से भेजा जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कौन है, प्रवीण शेट्टी, जो कि फॉर्च्यून ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को वो इंडिया भेज रहे हैं, मतलब 1 जून को वो इंडिया लोग आ जाएंगे। और बता दूं आपको कि इनका वीज़ा कैंसिल नहीं किया जाएगा। जो प्रवीण शेट्टी जो है उन्होंने इस चीज़ के लिए बोला है कि हमारे 7 होटल थे जिसमें से कि 3 होटल अभी चल रहे थे, 4 होटल एकदम बंद हो चुके थे, मतलब उनका जो 60% एम्प्लॉयज थे वो कहीं भी कुछ भी नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उनको वहाँ पे भेजा जा रहा है। और उन्हीं में से एक होटल को उन्होंने यूएई की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट है उसको दान में दे दिया था क्वारंटाइन करने के लिए। तो ये चीज़ें हमारे इंडिया में भी हो रही हैं। आपको पता है कि सोनू सूद ने भी बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे मजदूरों को अपने अपने घर भेजा एसी बुक करके और बहुत सारे लोगों को फ्लाइट से बुलाया भी है।
तो इस तरह की चीज़ें हमारे इंडिया में भी हो रही हैं, और इवन इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि अगर कहीं पे भी कोई फंसा हुआ है तो उसकी आप मदद ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी 106 लोग हैं उनसे कोई भी चार्ज नहीं लिया गया है। और जो प्रवीण शेट्टी हैं चेयरमैन, उन्होंने ये भी बात कही है कि उनकी सैलरी से पूरी सैलरी भी नहीं काटी गई है, और जब वो वापस आना चाहेंगे, मतलब लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगा और कोरोना वायरस का संक्रमण कम हो जाएगा, तो उनको दोबारा वापस बुला लिया जाएगा उसी वीज़ा में, वीज़ा कैंसिल नहीं होगा। और तीसरी जो बहुत ही ज़रूरी बात है कि जो रिपैट्रिएशन के लिए बहुत ज़्यादा लोग दुबई से इंडिया आना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है वंदे भारत मिशन स्टार्ट है और इस टाइम पर बहुत सारी फ़्लाइट्स वगैरह आ रही हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है वहाँ पे जो रिपैट्रिएशन के लिए आपको फॉर्म फिल करना था, एप्लीकेशन फिल करना था, उसके बाद आपका नंबर आता था, तो अभी आपके लिए इजी हो गया है। मैंने आपको मेल आईडी दी है, इस मेल आईडी पे जाके आप अपने मेल से, पर्सनल मेल से और या तो सिंगल मेल से एक ही मेल करेंगे, एक ही मेल एक्सेप्ट की जाएगी, उस मेल से दूसरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मतलब आपको उस मेल में क्या लिखना है, अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, आप पासपोर्ट की पर्सनल डिटेल लिखना है, उसमें जो पासपोर्ट में डिटेल मेंशन होगी वो लिखना है, आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है उसमें, और उस पर रीज़न बताना है। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ बता के एक मेल कर देंगे आप, वहाँ पे एप्लीकेशन भेज देंगे, एप्लीकेशन फिल करके, तो वहाँ पे से आपको फ़्लाइट में रिपैट्रिएशन के लिए जगह मिल जाएगी। मींस कि आपको बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये काम आपका एक मेल में ही हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ एक मेल से ज़्यादा दूसरी मेल की परमिशन नहीं है। वहाँ से कंफर्मेशन कॉल भी आएगी, कंफर्मेशन कॉल करके और या तो आपको मेल पर रिप्लाई करके और आपकी बुकिंग बता दी जाएगी। तो इस वीडियो में जो भी मैंने बताई, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी हैं। आगे भी बहुत सारे वीडियोस की अपडेट लेके आता रहूँगा, तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक कर दे वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। और भी बहुत सारे वीडियोस वेट कर रहे हैं, अभी आपका एक क्विज चल रहा है, क्विज के लिए भी मैंने अभी अनाउंस किया था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो हमारे पिछले क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने दिया था, जो सबसे ज़्यादा लाइक्स आए थे उनको भी मैंने प्रमोट किया था, और आप भी वो वीडियो देख सकते हैं, वीडियो का लिंक दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चन में जो आंसर आपको देना है अगर बेस्ट आंसर हुआ तो आप भी विनर बन सकते हैं। तो नीचे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके आप पहले क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन का आंसर करें, और अगर आप विनर बनते हैं तो ऐसे ही आपको सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से प्रमोशन किया जाएगा, बेहतरीन तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे आपकी फ़ोटो के साथ में। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।